डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.2। हम 3.2 एक्सरसाइज क्लास 10 की कंप्लीट कर चुके हैं, आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। जो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज किससे रिलेट कर रही है? आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज मैं आपको बताऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या होता है और कैसे आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज राशि, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि व्हाट इज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्या आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे x और y, आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, क्या x और y गिवन होगा। आपने इनमें से जो इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू आप निकालो, मतलब ठीक है इक्वेशन में से, फिर दूसरी इक्वेशन उसको पुट कर दो और देन आप एक्स और वाई की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको क्वेश्चन भी इजिली समझ में आ जाएगा। तो हम अपना एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन योर सेकंड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट में से हम x की वैल्यू पहले निकाल देते हैं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस y। अब जो ये x की वैल्यू आई है आपके, भाई यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 14 था, हम y को इस साइड लाए तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस y। ओके, उस अब जो ये x की वैल्यू आई है ये आपको इक्वेशन सेकंड में क्या करनी है, पुट करनी है। इक्वेशन सेकंड क्या है, जैसे आपके पास x माइनस y इज इक्वल टू 4 है, अभी x की जगह जो आपने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट अप कर दें। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द तो x की वैल्यू क्या 14 माइनस y एंड इक्वेशन सेकंड माइनस y इज इक्वल टू 4। ओके, तो हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। माइनस 2y इज इक्वल टू ये प्लस 14 है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 14 तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, इसलिए यस। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 5 से 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब जो ये y की वैल्यू है ये हम पुट अप कर देंगे इसमें से, जिसमें से हमने x की वैल्यू निकाले, या आप यहाँ पुट कर सकते हो, कहीं पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा आपका। तो पुट द वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन मान लेते हैं हम क्या थर्ड, put the value of y हम y की वैल्यू निकाल लिए, y in equation third, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन विच इज 14 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या आपके पास 5 है, 14 आउट ऑफ 5 क्या आ गया 9, तो x की वैल्यू बचे क्या आ गई हमारे पास 9, y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। आप यहाँ पे पुट अप करके देख भी सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पर हम y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं, x की वैल्यू 9, तो 9 और 5 क्या हो गया हमारा 14 हो गया और 14 हमारे इक्वल्स में, तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि एक्चुअल जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो हमारी करेक्ट है या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं करना, बस आपने सारे पार्ट जो होंगे वो एक जैसे ही होंगे, तो मैंने आपका एक पार्ट करा दिया, फिर दोबारा से मैं रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन में से फर्स्ट या सेकंड में से एज योर चॉइस आप किसी में से भी x की वैल्यू इजीली निकाल लेना, x या y की वैल्यू, ठीक है, जो आपको इजी लगे। जिसमें से निकालोगे आप x की वैल्यू उसमें पुट मत करना, उससे अपोजिट जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर लेना, आपके y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आते ही जहां से आपने x की वैल्यू निकाली थी वहां पे आप पुट कर देना, आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक और पार्ट कर लेते हैं रूट से रिलेटेड ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, तो हम इसको करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के आपके पास रूट टू एक्स प्लस
root 3y is equals to 0 and second equation is root 3x minus root 8y is equals to क्या हो गया 0. ओके अब देखो x और y के ऊपर आपका रूट नहीं है, ओनली जो स्क्वायर रूट है वो 2 और 3 नंबर्स के ऊपर है, वो नॉट एन वेरिएबल्स. ओके अभी इस इक्वेशन में से पहले हम नेमिंग डाल लेते हैं, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब एक इक्वेशन का यूज करते हुए हम चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हम x वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी रूट 2x प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y. x की वैल्यू निकाल लोगे आप रूट 3 बाय रूट 2, ये क्या हो गया y. अब जो ये x की वैल्यू आई है आपके, ये हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन सेकंड में, जैसे मैंने आपको बताया था. तो क्या हो गया पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. सेकंड इक्वेशन में आप इसको पुट कर दोगे तो विच इज x की जगह रखनी है हमें तो रूट 3 एंड x की वैल्यू क्या है रूट 3 बाय रूट 2 y माइनस. ओके x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. इब चेक कर लेते हैं हमारा x की वैल्यू क्या थी रूट 3 बाय रूट 2 y थे, हमने x की जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस रूट 8y. रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 3 रूट 2y. ओके रूट 8 को हम लिख सकते हैं इसलिए 2 रूट 2 लिख सकते हैं. यस अब रूट 2 नीचे है आपका. ओके अब रूट 2 है, हम अगर मल्टीप्लाई करें या एडिशन करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही पड़ेगी, आपको जो इजी लगे वो चेंज करो. तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या बच गया 3 रूट 2 वाई माइनस 2 रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0. ओके अब ये y कॉमन निकाले तो y में हमारे पास क्या हो गया 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. अब आप इसमें से एलसीएम लेके कर सकते हो, एलसीएम लेके नहीं कर सकते तो इस टर्म जो मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू में 0, तो मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ जाएगी आपके इजीली. y की वैल्यू अगर 0 आई तो यहां पे जैसे पुट करोगे आप तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी. तो y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई आपके 0. चेक योर आंसर इज इट करेक्ट. यस क्योंकि हमने क्या निकाला हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन थी, x की वैल्यू हमने निकाल ली दूसरी इक्वेशन पुट कर दी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू जैसे आई हमने इक्वेशन पुट कर दी x की वैल्यू भी हमारे पास इजीली फाइंड आउट हो गई. आई थिंक आपको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब करते हैं वर्ड इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जैसे कि आपको पता आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एनसीईआरटी बुक में से. तो अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन. ओके सेकेंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या आपके पास कि दो लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m और m जो आपके पास इक्वेशन थर्ड इक्वेशन वो क्या गिवन है y is equals to mx plus 3. अब क्वेश्चन को देखने से पहले आप देखो कैसे हम सोल्व करेंगे, इजीली है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और देन इसमें पुट करेंगे, इजीली हमारे m की वैल्यू आ जाएगी. तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लेती हूं तो x की वैल्यू जैसे निकालें तो क्या हो जाएगा 2 इसमें से निकालो, बात है कि पड़ गया आपकी मर्जी है आप किस इसमें से कुछ भी निकालो. अगर चलो हम इसमें से निकाल लेते अब की बात सेकंड इक्वेशन में से, तो पहले हम मान ले फर्स्ट इक्वेशन दैट इज हमारे सेकंड इक्वेशन. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सेकंड इक्वेशन से निकाला हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल सकते हो आपकी मर्जी है. x is equals to minus 24 plus 4y upon 2. 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसलिए. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी minus 12 plus 2y. तो y की वैल्यू हमारी सॉरी x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 2 से हमने इसको डिवाइड किया माइनस 12 प्लस 2 टू जब 4 2y. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब जो x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x के जगह हम पुट कर देंगे माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 11. तो 12 टू जो 24 माइनस 2 टू जो 4y प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 11.
तो 4y और 3y क्या हो गया 7y, और ये 24 माइनस इस साइड क्या हो गया प्लस 24 और 11 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा हमारा, भाई 4 एक 5 और एक 3, और ये y की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो इस साइड क्या होगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7 5 35, तो दैट इज योर वैल्यू किसकी y की। अब y की जो वैल्यू 5 आई है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसलिए यस कि x is equals to minus 12 plus 2, y की वैल्यू क्या है 5, तो minus 12 plus 2 5 is 10, तो क्या आ गया हमारे पास minus 2, मतलब कि x की वैल्यू minus 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गया हमारे 5। अब जो ये वैल्यू आई है हम यहाँ पे पुट कर देंगे बिकॉज हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y क्या हो गया 5 is equals to m माइनस टू प्लस क्या हो गया 3, ये प्लस 3 इस साइड क्या हो गया माइनस, तो 5 आउट ऑफ 3 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस 2 m, तो माइनस 2 इस साइड आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू क्या आ गया हमारी माइनस 1। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि हमने कैसे m की वैल्यू फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब आपने क्या निकाला फाइंड द नंबर, हमारे पास कोई भी नंबर गिवन नहीं है तो हम नंबर से क्या मान के चलेंगे लेट करके चलेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को हम लेट कर लेंगे क्या मान लेंगे हम एक्स नंबर मान लेंगे, सेकेंड नंबर को हम क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। ओके उसके बाद बोल रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे कि क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में कि नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि माइनस इज 26, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड में लाइन में क्या बोला एंड द वन नंबर, वन नंबर क्या हो गया हमारे पास एक्स है, इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब कि वो क्या है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, हो गया हमारे पास एक्स हो गया, तो x वो 3 टाइम्स है किसके दूसरे नंबर, तो 3 टाइम्स टाइम्स अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3 है, ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, अब ये x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते तो इजीली हमें वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू क्या है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, माइनस करेंगे 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू क्या आ गया 13। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आ गई है, तो y की वैल्यू जो आई है वो हम सेकंड इक्वेशन पुट कर सकते हैं यस, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो x इज इक्वल्स टू में 3y है, y की जगह हमने 13 रख दिया, 13 3 जा 39, तो आपके पास वैल्यू आ गई 39 एंड 13, दैट इज योर आंसर कि x की वैल्यू 39 एंड y इज 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या आपकी द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, मतलब कि दो एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए हमारा 180 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल गिवन नहीं है कि स्मॉल एंगल क्या है हमारे पास और लार्ज नंबर क्या है, तो हम एंगल को पहले मान के चलेंगे कि लेट द स्मॉल एंगल, एक एंगल को क्या मान लेंगे हम एल मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और एक को क्या मान लेंगे हम वाई, इजली मान सकते हैं यस, एंड लेट द एंगल ऑफ लार्ज क्या मान लें हमें वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। अगर ये वर्ड आ जाए सेकंड लाइन में क्या, अगर ये वर्ड आ जाए एग्जिस्ट, अगर वर्ड आ जाए मतलब क्या निकालना हमें माइनस निकालना है, ध्यान रखना एग्जिस्ट वर्ड ई एक्स सी डबल ई डी अगर आ जाए तो मतलब कि क्या करना आपको माइनस करना है, तो एक्स माइनस वाई क्या है वो हमारा 18 डिग्री का है। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड द इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हुए चलोगे आप तो 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या होगा 2y, 180 में से जब हम 18 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 में से आ गया 2, ओके 7 में से 1 गया 6 आ गया आपके पास, ओके तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 81। अब y की वैल्यू 81 है तो हम इसमें पुट कर देंगे किसमें, जहां पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि हमें, तो x इज इक्वल टू क्या है 18 प्लस y है तो 18 प्लस में 81 तो 819 और 81 कितने हो 9, तो x की वैल्यू क्या है 99 डिग्री आ गई और y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 81 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको इस स्टेटमेंट में एक वर्ड का ध्यान रखना है वो है एक्सिस, अगर ये वर्ड आ जाए तो मतलब आपको क्या करना है माइनस करना है, ये छोटे छोटे फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप इजी स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है, एक आपके पास बैट और बॉल गिवन है तो एक बैट को मान लोगे एक्स और बॉल को क्या मान लोगे वाई, इसकी मैं इक्वेशन बना के दिखाऊंगी आपको और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखोगे और कमेंट में बताओगे कि आपका आंसर एक्चुअल में क्या आया है। तो हम क्या करेंगे, लेट द बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, वन बैट की कॉस्ट क्या मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे, ओके लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, बॉल की कॉस्ट क्या मान लेंगे हम वाई मान, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला फर्स्ट लाइन में सेवन बैट, बैट क्या मानना है एक्स तो सेवन एक्स प्लस सिक्स बॉल, बॉल क्या मान लिया हमने वाई, क्या रेट है इनका 3800, ठीक है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थ्री बैट है, बैट और क्या मान लिया हमने एक्स प्लस सेवन बॉल है मतलब कि 5y इज इक्वल टू 750 ये आ गया। अब इसमें से कोशी एक इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लो, आप x और y की वैल्यू खुद फाइंड आउट करके मुझे बताओगे कि आपकी x की वैल्यू क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ से निकाल ली 3800 माइनस 6y अपॉन क्या आ गया 7। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो इसमें, यस पुट करके बताओगे मुझे, या इसमें से x की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू निकालना, कोई निकालना, एज योर चॉइस कि आप किसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करोगे x की y की। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है और देन कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या है, x और y की वैल्यू करेक्ट आई है या नहीं आई, इसलिए होमवर्क दिया है ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए कि आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताओगे कि आपके एक्चुअल कहां पे क्या डाउट आ रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आपका इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बोला है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन मान के चलेंगे पहले कि लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम क्या मानते हैं एक्स, ओके क्या मान के चलेंगे हम x मान के चलेंगे, यस लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे हम y मान सकते हैं इजीली, यस तो इसको क्या मान लिया हमने y मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम दो को दोनों साइड ऐड करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, अगर हम 2 ऐड करते हैं तो मतलब कि ऊपर भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों साइड क्या कर लिया आपने 2 को ऐड कर लिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 9/11 बन जाएगा, ओके okay? और सेकंड में क्या बोला है, अगर हम 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर में, अगर हम ये तो हो गया फर्स्ट केस, एंड सेकंड में क्या बोला है उसने कि अगर हम दोनों साइड 3 को ऐड कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी तो हमारी क्या बन जाती है 5/6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस में 2 इज इक्वल टू 9y प्लस क्या हो जाएगा 2, क्लियर है तक, ओपन करेंगे तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस क्या होगा 9 2 18, तो 11x माइनस 9y 22 है प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, या 18 को आप इस साइड ले आओ तो 22 में जो 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 4। इसी तरह से इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 एंड 5y प्लस 3, इसलिए आप सेम इसी प्रोसेस से आप सोल्व करते हुए चलोगे 5y प्लस में क्या हो गया 15, तो 6x माइनस 5y प्लस क्या हो गया हमारे पास 18, आपको 15 दैट इज 3, तो ये इक्वेशन क्या आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट
और ये क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड। सेम एज आप x की वैल्यू निकाल लो, यहां से हम अगर x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ गया आपके पास x is equals to 3 + 5y upon में क्या हो गया 6। ओके अभी जो x की वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे आप पुट करोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 + 5y / 6 - 9y + क्या हो गया 4 = क्या हो गया हमारे पास 0। ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 = 33 + 55y / 6 - 9y + 4 = 0। अब ये 6 अपॉन में x हम ले सकते हैं इजीली, यस तो 33 + 55y - 6 = 54 और 6 = 24 = क्या हो गया 0। तो ये हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दें तो y सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सड़क ही माइनस हो जाएगा। ओके यहाँ पे इस चीज की मिस्टेक हो चुकी है तो आप गलती मत करना, प्लस 3 है इस सड़क क्या हो गया माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 और 33 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो 13 out of 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 9, तो y - 9 = 0, तो y की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 9। अब y की वैल्यू 9 है यहाँ पे पुट कर दें हम, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 + 5 - 45 / में क्या हो गया 6, 45 में से 3 को माइनस करें क्या हो गया 42 / में क्या हो गया 6 × 7 = 42, तो फ्रैक्शन क्या होता है x by y मतलब 7/9, तो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं क्वेश्चन बस ओनली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने 2 को ऐड करना है, तो ऊपर भी नीचे हमने 2 को ऐड कर दिया, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि 3 को ऐड करो 3 को ऐड कर दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x और y की वैल्यू इजीली निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपका एज से रिलेटेड है, एज के क्वेश्चन जैसे आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो स्किप करने का तो कोई सवाल ही नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 years hence आ जाए, before आ जाए, ago आ जाए, now आ जाए, after आ जाए, तो इनके बारे में आपको बताया कि कैसे आपको एक ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो जैकोब की एज जो है वो अपने फादर से अपने बेटे से कितने 3 times है, तो 5 years है वो 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो अपने बेटे से 7 साल दुगनी थी, तो ये बताना है कि उनकी एज एक्चुअली में क्या है। तो जैकोब की जो एज है उसको तो क्या मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे, यस Let Jacob is क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, yes and his son की क्या मान लेंगे हम y मान के चलेंगे। ओके और 5 years hence मतलब क्या करना है आपने ego में माइनस करना है, hence आ जाए तो मतलब अभी की बात कर रहा है, जस्ट प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्लस लेके चलेंगे, कितने 5 years है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जैकोब के क्या 5 years, तो x प्लस 5 3 times है किससे अपने बेटे से है, तो सॉरी 3 times है 3y + 5, ठीक है यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे इक्वेशन को 3y + 15 तो हो जाएगा x - 3y 15 out of 5 क्या हो गया 10, तो दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके आई चीज समझ में, नेक्स्ट क्या है 5 years आएगा मतलब ये माइनस बोल रहे हैं तो x - 5 सेकंड केस में किसके 7 times है किससे अपने बेटे से y - 5, तो ये सॉल्व कर लेंगे x - 5 = 7y - 35, तो x - 7y 35 - है ये -5 है उससे जब क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यस तो क्या हो जाएगा -30 क्योंकि -35 है, आपके बार माइनस गड़बड़ नहीं करनी हमें ध्यान से करना है, -35 है ये -5 है इस साइड क्या हो गया प्लस, तो 35 out of 5 - 30, तो दैट इज योर इक्वेशन सेकंड। ओके अब x की वैल्यू एक में निकालो दूसरे में पुट कर दो, और यहां से निकाल लेते हैं हम इजीली, यस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में से हम x वैल्यू निकाल लेंगे x = 10 + 3y, सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे इसमें, यस तो क्या है x वैल्यू 10 + 3y - 7y - क्या हो गया 30, तो 10 - 4y = -30, तो -4y - 30 out of 10 कितना हो गया सॉरी प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस क्या हो गया 40, माइनस माइनस 10 से तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10, तो दैट इज योर आंसर। x की y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहां पुट कर दो
टेन से जो 30, 30 टेन कितना होगा 40, तो x की वैल्यू कितना होगा 40, एक वैल्यू आ गया आपके 40, एक आ गया आपके 10, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज आपकी हमारे यहाँ पे आज खत्म हुई है, कौन सी 3.3। क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते रहना, अपनी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बार आपने देखा भी कि एग्जाम जो आया 10th क्लास का वो सारा एनसीईआरटी बुक को ही कवर कर रहा है, आपका एनसीईआरटी बुक से आ रहा है, थोड़ी बहुत नंबर्स का देखो चेंजेस रहेगा, एज इट इज तो आपको मिलने वाला है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही बोल दिया इसके लिए। तो आप प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है जो हमने क्वेश्चन कराया, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।